अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट EVS एंड आवर टॉपिक इज़ अ स्नेक एंड स्नेक चार्मर। ओके, सो हमने पहले ही इस चैप्टर के बारे में जूम क्लास में पढ़ा था, अब आगे का हम देखते हैं। सी, आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। तो जो यहाँ पे बेटा जो स्टोरी बता रहा है उसके दादा की, वो पर्सन यूँ बोल रहा है कि वो पूरी लाइफ क्या कर रहा था बेटा, बचपन से ही वो स्नेक पकड़ रहा है। ओ गुड गुड दोज डेज वर, तो उसे वो दिन क्या थे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। एंड वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मेनी वेज। और इसके साथ साथ वो लोग क्या करते थे बेटा, मेडिसिन वगैरह भी बनाते थे, हमने पढ़ा था। सो वो इससे क्या है, यही तरीके से वो लोगों को, दूसरों को भी मदद करते थे। यू ऑल्सो एंटरटेन देम, तो वो सांपों को नचा के, स्नेक को नचा के, बीन बजा के वो लोगों को एंटरटेन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे वेन एवरी वन वॉचिज TV फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज के ज़माने के जैसा नहीं था वहाँ पे कि TV है तो एंटरटेनमेंट हो जाता है, हम लोग कोई भी कार्टून्स, मूवीज, सॉन्ग्स देख लेते हैं, लेकिन वो ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। वेन आई ग्रू ओल्डर माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव स्नेक्स पॉइजनस टीथ, ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। ओके, सो वो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसके फादर ने उसको क्या सिखाया कि स्नेक के जो पॉइजनस टीथ होते हैं, स्नेक का पॉइजन कहाँ पे होता है बच्चों, उसका जहर जो होता है उसके टीथ में होता है, ठीक है, उसके दांतों में होता है, तो उसको कैसे रिमूव करना वो भी उसके फादर ने सिखाया है। एंड ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। और उसकी जो ट्यूब होती है, ट्यूब मीन्स एक नस होती है उसमें, उसको कैसे बंद करना है, भले से ही उसके दांत वहाँ पे रहे लेकिन उससे पॉइजन बाहर नहीं आएगा। ओके, सो उसे भी कैसे बंद करना है वो हम उसको उसके फादर ने देख सिखाया है। ओके, नाउ व्हाट कैन वी डू, अब वो उनके बारे में बता रहा है कि हम लोग क्या करते हैं। आर या नॉट, योर फादर यूज टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड, ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बींग टॉट। तो उसके फादर के बारे में बताया जा रहा है कि आर्यनाथ जो है, उसके फादर जो है उससे बचपन से ही इधर से उधर ट्रैवल करते थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बींग टॉट, मतलब उन्हें बीन बजाने का सिखाया नहीं गया बल्कि वो ऑटोमेटिकली खुद से ही सीख गए। नाउ अ डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन आजकल क्या ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। अभी क्या है, क्यों डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बना दिया बच्चों, एक लॉ बना दिया है, कायदा कानून बना दिया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को, जो भी जंगली जानवर है उनको पकड़ेगा नहीं। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइजेस। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, इसका फ़ायदा उठाते हैं और एनिमल्स को मार देते हैं और उनकी स्किन्स क्या है, उनकी जो भी चमड़ी होती है उसे बेचते हैं। कैसे बेचते बेटा, हाई प्राइजेज में। ओके, सो गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ लॉ अगेंस्ट देम, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए ही ऐसा लॉ बनाया है कि कोई भी एनिमल्स को मारा नहीं जाए। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न अवर लाइवलीहुड, तब वो खुद से ही क्वेश्चन कर रहा है, हमको पूछ रहा है कि ये लॉ आ गया तो हम स्नेक चार्मर्स का क्या, हम सपेरों का क्या, हम कैसे हमारा खाना पीना कमाएंगे, हम कैसे पैसे कमाएंगे। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस, लोग बोलते हैं कि हम स्नेक को क्या है, बैड कंडीशन, बुरी हालत में रखते हैं। बट वी हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन, लेकिन हम लोग ने कभी भी स्नेक को मारा नहीं है, ना ही उन्हें सोल्ड किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी बच्चों, हैड वी विश्ड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक। ओके, सो उनकी भी इच्छा थी कि वो लोग क्या है, स्नेक को मार कर क्या है, उसका जहर बेचकर या उसकी स्किन बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। ओके, बट वी हैड नेवर डन दैट एंड नेवर विल डू, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही कभी वैसा आगे करेंगे। स्नेक्स आर अवर ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। स्नेक जो है उनके लिए खजाना है, उनके लिए क्या है बच्चों, ट्रेजर है, खजाना है। वो लोग ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, स्नेक जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब पहले उसके फादर ऐसा काम करते थे, उसके दादा ऐसा काम करते थे, उसके दादा ने किसको पास किया बेटा, उसके फादर को, उसके फादर ने उसको पास किया। ओके, सो इस तरह से उनका ये क्या है, एक हिसाब से धंधा है, एक हिसाब से बिजनेस है। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, तो जब भी उनकी बेटियों की शादी होती है तो स्नेक को क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं। इन आवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक,
तो कालबेलियाड करके डांस वो लोग करते हैं जो आगे पिक्चर्स में हम देखेंगे, ओके। सो वो क्या है, स्नेक डांस जैसा होता है, वो वैसा ही सिमिलर होता है। एंड ये नॉट, यू हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। उसके फादर या कोई बोल रहा है कि उसको क्या है, अपनी ज़िंदगी अलग करनी चाहिए, अलग तरीके से गुजारनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड द गिफ्ट ऑफ प्लेइंग बीन फ्रॉम योर फादर। तो उससे क्या है, अपने फादर से एक गिफ्ट मिला है, क्या बजाने का बच्चों, बीन बजाने का। यू एंड योर कजिन्स कैन एंटरटेन पीपल बाई प्लेइंग बीन। और तुम और तुम्हारा जो भाई है, कजिन मतलब चाचा या खाला का जो भी लड़का है, वो उनको क्या है, एक गिफ्ट मिला है प्लेइंग बीन बजाने का, तो लोगों को इससे एंटरटेन करें। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर एल्डर्स। और ये जो नॉलेज मिला है तुमको, उसको क्या है, वेस्ट नहीं करना चाहिए जो तुमको तुम्हारे ओल्डर से मिला है। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन विलेजेस एंड सिटीज, ओके। सो ये जो नॉलेज है उसे तुम्हें किसके साथ शेयर करना चाहिए, जो बच्चे गांव में या सिटीज़ में रहते हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए, ओके। टेल देम दे शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ स्नेक्स, हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स, ओके। और उन्हें ये बताना चाहिए कि उनको क्या है, स्नेक से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन्हें हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स, ओके। जो भी जहरीला जानवर होता है, जो भी जहरीला सांप है, उसको पहचानने में उनको मदद करनी चाहिए। टेल देम हाउ स्नेक्स आर डिफरेंट ऑफ द फार्मर, स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। उन्हें ये बताना चाहिए एक स्नेक जो होते हैं वो क्या है, फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, जो भी खेडूत होते हैं उनके फ्रेंड होते हैं। दे ईट द रेट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रेट्स वुड ईट द क्रॉप्स। तो वो लोग क्या करते हैं, स्नेक जो होते हैं बच्चों, वो रेट्स जो कहाँ पे घूमते बेटा, खेतों में, फील्ड्स मीन्स जहाँ खेत होते हैं, फील्ड्स मतलब जहाँ खेत होते हैं, जिसे खेत बोला जाता है, सो वहाँ पे वो क्रॉप्स खा जाते हैं। तो इसलिए वो क्रॉप्स खाए हैं, उससे पहले स्नेक जो होते हैं वो चूहों को खा जाते हैं। नाउ यू टेल आवर स्टोरी एंड ऑल्सो मेक एन स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, ओके। अब क्या बोल रहे हैं उसको, उसको क्या सीख दी जा रही है कि तुम अपनी ही स्टोरी बनाओ, उसके दादा ऐसा बोल रहे हैं, और अपनी ही स्टोरी बनाकर तुम लो अपने ही ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब ही अपने ही पोते पोती जो भी आएंगे उनको ये सब चीज़ें सुनाओ। तो इस तरह से बेटा हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश होता है, ओके। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू वीडियो। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज़।